नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मोका एल सिरप का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, मोका एल सिरप को कैसे लेना चाहिए और मोका एल सिरप की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि मोका एल सिरप को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। मोका एल सिरप के अंदर दो दवाओं का कॉम्बिनेशन होता है। मोका एल सिरप के अंदर सॉल्ट कम्पोजिशन लिवोसिट्रिजीन और मोंटेलुकास्ट होता है। लिवोसिट्रिजीन एक एंटीहिस्टामिन ड्रग क्लास की दवा है, जिसका उपयोग सर्दी, जुखाम, नजला और एलर्जी के लक्षणों से राहत पाने के लिए किया जाता है, और मोंटेलुकास्ट अस्थमा की वजह से होने वाले लक्षणों जैसे सांस फूलना, सांस लेने में दिक्कत होना और सांस लेते समय सीटी जैसी आवाज आना आदि लक्षणों को नियंत्रण करने व रोकने में मदद करती है। मोका एल सिरप का उपयोग बच्चों में अस्थमा होने पर सर्दी, जुखाम, नजला और एलर्जी के लक्षणों को ठीक करने के लिए मोका एल सिरप का उपयोग किया जाता है। सर्दी, जुखाम, एलर्जी या नजला के लक्षण जैसे नाक से पानी बहना, नाक का बंद होना, आंखों से पानी आना, आंख, नाक या गले में खुजली होना, छींक आना और शरीर पर कहीं खुजली होने पर आदि लक्षणों से राहत पाने के लिए मोका एल सिरप का उपयोग किया जाता है। डॉक्टर, क्रोनिक अर्टिकेरिया होने पर यानी त्वचा पर पुरानी खुजली की समस्या होने पर, त्वचा पर एलर्जी होने पर और त्वचा पर रैशेस होने पर भी मोका एल सिरप को लेने की सलाह दे सकता है। मधुमक्खी या किसी अन्य कम जहरीले जानवर के काटने की वजह से हुई त्वचा पर रैशेस, सूजन और खुजली को ठीक करने के लिए भी डॉक्टर मोका एल सिरप को लेने की सलाह दे सकता है। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो वैसे तो ज्यादातर बच्चों में मोका एल सिरप की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ परसेंट बच्चों में मोका एल सिरप की वजह से कुछ सामान्य साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे मुँह में सूखापन होना, सिरदर्द होना, शरीर में थकान व सुस्ती होना, नींद अधिक आना, नाक से खून आना, गले में खराश होना, दस्त होना, कब्ज होना और उल्टी आने का मन होना आदि साइड इफेक्ट्स मोका एल सिरप की वजह से हो सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि मोका एल सिरप को कैसे लेना रिकमेंडेड होता है। मोका एल सिरप को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। आमतौर पर 2 साल से लेकर 6 साल तक के बच्चों को डॉक्टर 2.5 मिलीलीटर मोका एल सिरप को दिन में एक ही बार और शाम के समय लेने की सलाह देते हैं, और 6 साल से लेकर 11 साल तक के बच्चों को डॉक्टर 5 मिलीलीटर मोका एल सिरप को दिन में एक ही बार और शाम के समय लेने की सलाह देते हैं, और 12 साल से अधिक उम्र के व्यक्तियों को डॉक्टर 10 मिलीलीटर मोका एल सिरप को दिन में एक ही बार और शाम के समय लेने की सलाह देते हैं। मोका एल सिरप की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है, इसलिए आपको मोका एल सिरप को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना व चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। अब हम डिस्कस करेंगे कि मोका एल सिरप को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। 2 साल से कम उम्र के बच्चों को मोका एल सिरप को देना रिकमेंडेड नहीं होता है, इसलिए 2 साल से कम उम्र के बच्चों को मोका एल सिरप को डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं देना चाहिए। वैसे ज्यादातर बच्चों में मोका एल सिरप को लेने के बाद ज्यादा नींद नहीं आती है, लेकिन कुछ बच्चों को मोका एल सिरप को लेने के बाद नींद अधिक आ सकती है। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपका मोका एल सिरप से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।